हेलो दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने जो मोशन ग्राफिक्स देखा उस मोशन ग्राफिक्स को कैसे प्रॉपर एडिट किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं फाइल सेक्शन में गया, इंपोर्ट पर गया, फाइल पर क्लिक किया और जहां पर मेरी टैंपलेट रखी है मैं उस टैंपलेट को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूं। तो देखिए, ये जो टैंपलेट है वो मेरे एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट होकर आ चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस टैंपलेट में हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम लोग लोगो चेंज कर सकते हैं। सो हम लोग लोगो को क्लिक करते हैं डबल क्लिक, और ये जो लोगो है इस लोगो को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं अपना लोगो जो है वो इंसर्ट कर लेता हूं। तो फाइल सेक्शन पर चलते हैं, इंपोर्ट फाइल, और जहां पर मैंने अपना लोगो रखा हुआ है इस लोगो को मैंने यहां से पिक कर लिया, लोगो को यहां से ड्रैग किया, टाइमलाइन में लेकर आया और इसको बंद कर दिया। तो पिछले वाला लोगो जो है वो उसकी आईज मैंने क्लोज कर दी है, तो ये मेरा नया लोगो आ चुका है। अब इसके मैं स्केलिंग को कम कर लेता हूं। तो इस पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशंस में जो स्केल है, स्केल लोगों का जो मेरा स्केल है वो 100x100 है, तो इस स्केल को मैं कम कर लेता हूं। तो देखिए, अब ये स्केलिंग जो है वो मैंने 20x20 सेलेक्ट कर दी, 20x लेंथ, 20x ब्रेथ। तो ये लोगो मेरा फाइनली चेंज हो गया। लोगो चेंज करने के बाद हम लोग टेक्स्ट होल्डर देखते हैं। टेक्स्ट होल्डर की भी एक कॉम्पोजिशन गिवन है इसके अंदर, तो टेक्स्ट होल्डर पर मैं चलते हैं। सो यहां पर जो है यूर वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट की जगह मैं पहले इस लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूं और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल में चलता हूं और इस वेबसाइट की जगह मैं अपना खुद का नाम लिख देता हूं, राजीव आनंद। जैसे मैंने देखिए इस टेक्स्ट को भी चेंज कर लिया, और सिलेक्शन टूल से मैं इसका प्रॉपर साइज भी घटा बढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो सिलेक्शन टूल से आप इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं, एज वेल एज जो आपका टेक्स्ट है या जो भी आपकी इमेज है उसको भी आप ड्रैग या ड्रॉप करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। सो फिलहाल अब हम लोग इसकी रेंडर जो कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो रेंडर कॉम्पोजिशन पे मैंने डबल क्लिक किया और एक बार रेंडर कॉम्पोजिशन को चलाकर देखते हैं शुरू से, और इसको हम लोग एक बार रेंडर भी कर लेते हैं। और इस कॉम्पोजिशन की दोस्तों सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसके अंदर VFX जो है, ऑलरेडी साउंड का जो VFX है वो गिवन है, तो मैं उसको भी ऑन कर लेता हूं और एक साथ ही जो है वो कॉम्पोजिशन को रेंडर करते हैं। तो देखिए, जैसे ही ये पूरा इफेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जो ये पैंथर पार्टिकल्स है, और जैसे ये पैंथर पार्टिकल जैसे ही कंप्लीट हुआ वेव इफेक्ट्स में, उस वेव इफेक्ट से एकदम लोगो बाहर की ओर निकल कर आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ये मोशन ग्राफिक्स, कि जैसे ही वो पैंथर ने अपना पंजा मारा, और जैसे उसने पंजा मारते ही वो वेव इफेक्ट अपने आप जो है जाना शुरू हो गई और लोगो उसके अंदर से एक तरीके से निकल के बाहर आया। और अब देखिए, लोगो के साथ साथ जो है वो टेक्स्ट भी किस हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है, टेक्स्ट भी प्रॉपर शाइनिंग इफेक्ट है, और ये देखिए ये टेक्स्ट भी प्रॉपर डिस्प्ले हुआ, राजीव आनंद। तो ये काफी अच्छा मोशन ग्राफिक्स बन जाता है एडोब आफ्टर इफेक्ट में। अब हम लोग एक बार इसको स्पीड से चेक करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा लगे ये VFX। आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, लेकिन ये मोशन ग्राफिक्स एक बार दोबारा देखने का भी मजा आएगा। तो हम लोग एक बार इसको दोबारा से करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, लेकिन अब इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ही आ रही है। आप देख रहे हैं कि लोगो और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट्स है, मींस टेक्स्ट जो है प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा, या तो लोगो टेक्स्ट के सेंटर में हो या टेक्स्ट जो हो वो लोगो के इसी हिसाब से प्रॉपर एडिट किया जाए, इसी हिसाब से उसकी पोजिशन सेट की जाए टेक्स्ट की, लोगो सेंटर में आए टेक्स्ट के। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं दोबारा से एक बार टेक्स्ट होल्डर पर चलता हूं। तो मैं टेक्स्ट होल्डर की पोजिशन पर आया, टेक्स्ट होल्डर की कॉम्पोजिशन पर, और यहां पर जो सिलेक्शन टूल है, इस सिलेक्शन टूल से मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया और इसकी पोजीशन को भी थोड़ा नीचे कर दिया।
अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट बड़ा हुआ, तो एक बार हम लोग रेंडर में अब दोबारा चल के देखते हैं, रेंडर कॉम्पोजिशन में। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट की टेक्स्ट कॉम्पोजिशन में जाकर जो टेक्स्ट का साइज बड़ा किया, लेकिन फिर भी लोगों की जो पोजीशन है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर सूट नहीं कर रही। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग लोगो होल्डर के अंदर जो लोगो की कॉम्पोजिशन है उसमें चलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर जो मेरा लोगो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है पोजिशन, तो हम लोग इस पोजिशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं पोजीशन के जो पॉइंट्स है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, और जैसे मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने अपने लोगों की पोजीशन को अपसेट किया। अब दोबारा एक बार रेंडर में जाकर देखते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे अब लोगों की पोजीशन मुझे काफी ठीक लग रही है। यस, लेकिन अभी भी लोगो प्रॉपर सेंटर में नहीं आ रहा, तो एक बार लोगो होल्डर पर दोबारा चलते हैं और इसकी पोजीशन को थोड़ा सा और जो है चेंज करते हैं। और अब एक बार दोबारा से रेंडर करते हैं, देखिए अब ये प्रॉपर रेंडर हुआ और लग रहा है लोगो जो है वो प्रॉपर टेक्स्ट के जो सेंटर में है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस पैंथर पार्टिकल लोगो को प्रॉपर एडिट कर सकते हैं और आफ्टर इफेक्ट के अंदर प्रॉपर यूज करके इस पैंथर टाइप लोगों को प्रॉपर एडिट कर सकते हैं और अपनी किसी भी गेमिंग के लिए, स्पेशली ये गेमिंग के लिए बनाया गया है। तो अगर आप लोग स्पेशली गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं तो ये एक काफी अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर आप पैंथर का एग्जांपल भी डाल सकते हैं। ये रेसिंग गेम के लिए भी काफी अच्छा मोशन ग्राफिक्स बन सकता है। और अगर मैं अब इसको फाइनली रेंडर हो चुका है, एक बार मैं पूरा दोबारा से चेक कर लेता हूं। यस, ये मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट रेंडर हो चुका है। अब फाइनली हम लोग इसको फाइल सेक्शन में जाकर एक्सपोर्ट में ऐड टू रेंडर क्यू करते हैं, और हमारा आउटपुट जो पाथ है वो सेट है, डेस्कटॉप के ऊपर आएगा ये मेरे स्क्रीन पर फाइनली एक्सपोर्ट होके। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग आफ्टर इफेक्ट में किसी भी फाइल को रेंडर करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट बनता है वो AVI बनता है, लेकिन अगर आप MP4 में डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल सेक्शन में जाकर एक्सपोर्ट में जाकर ऐड टू एडोब मीडिया एनकोडर क्यू करेंगे। अगर आपके PC में एडोब मीडिया एनकोडर का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप यहां पर सिंपली एड टू एडोब मीडिया एनकोडर कर दो। एडोब मीडिया एनकोडर का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, ये आफ्टर इफेक्ट की फाइल को डायरेक्ट MP4 में बनाकर आपको दे देगा। अगर आपके पास मीडिया एनकोडर नहीं है और अगर आप लोगों के पास एडोब प्रीमियर प्रो अवेलेबल है तो इस आफ्टर इफेक्ट की फाइल को प्रॉपर सेव करके रख लीजिए, और देन प्रीमियर प्रो ओपन करके आफ्टर इफेक्ट की फाइल को प्रीमियर प्रो में ओपन कीजिए और फिर इसको प्रॉपर एक्सपोर्ट कर लीजिए। प्रीमियर प्रो भी इस फाइल को MP4 में कन्वर्ट पूरा कर देगा। तो MP4 में अगर आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट तो मीडिया एनकोडर या फिर प्रीमियर प्रो का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप AVI फॉर्मेट ही चाहते हैं तो ऐड टू रेंडर ऑप्शन इस आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैंने ऐड टू रेंडर क्यू किया है और अब रेंडर पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये जितने भी टाइम में प्रॉपर फाइल रेंडर हो जाएगी और रेंडर होने के बाद ये फाइनली मेरे पास AVI फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो दोस्तों ये था कि हम लोग किस तरीके से गेमिंग मोशन ग्राफिक्स को या पैंथर टाइप मोशन ग्राफिक्स को फाइनली एडिट कर सकते हैं यूजिंग एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो यार। थैंक यू सो मच।